कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थर्ड लिखिएगा, थर्ड क्या लिखेंगे आप? 8 से 9 के बीच, 8 से 9 बजे के बीच किस समय, 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं, एक ही बात है, बताइएगा। नौ बजे और 360 बटे में 11, 9 बजे 360 बटे में 11, 60 मिनट जो लिख रहे हैं अर्थात उसमें एक घंटा जोड़ दीजिए। सर 12 कब ऐड करेंगे? ज्योति 12 तभी ऐड करेंगे, ज्योति, या किसी का कंफ्यूजन है कि 12 तभी ऐड करेंगे जब मेरा डिफरेंस माइनस में आए, मेरा अंतर माइनस में आए, जैसे 2 में से -3 घटाऊंगा -1 आएगा तब जोड़िएगा। ओके, 9 बजे और 8 बज के 300 बटे में 11, 300 बटे में 11, 8 से 9 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घड़ी समकोण बनाएगी? इस एक घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी, एक 8 बज के कुछ मिनट, एक 9 बजे के पास में, या करेक्ट 9 बजे ही बना देगी मगर 9 को पार होने नहीं देगी। इस बात को समझिएगा, या तो 9 बज करीब में जाएगी या करेक्ट 9 बजे चली जाएगी मगर 9 को पार होने नहीं देगी। तो तरीका वही है करने का, दिए गए समय में एक बार आप क्या करें, 3 जोड़े तो 11 आएगा, 11 में 60 बटे 11 से गुणा कराएंगे तो 11 से 11 गया 60 मिनट आएगा, 60 मिनट का मतलब एक घंटा, 60 मिनट का मतलब एक घंटा, 8 बजे में एक घंटा जब आप ऐड करोगे अर्थात कै बजा देगा, 9 बज जाएगा, कितने बज जाएगा, 9 बज जाएगा। फिर से बातें समझिएगा कि 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 से 11 गया, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब एक घंटा, और 9 बजे 8 बजे में एक घंटा ऐड करेंगे वो टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 9 बजे की हो जाएगी। एक बार प्लस किए 3, एक बार माइनस कर दीजिए। ये प्लस माइनस क्यों करते हैं सारा जवाब मैं कल बता दिया था। जब माइनस करोगे तो ये 5 आएगा गुना में 60 बटे में 11, ये होगा 300 बटे में 11, और 311 बटे का मतलब कितना, 27 सही, 3 बटे 11 अर्थात वो टाइमिंग होगी क्या आपकी, वो टाइमिंग होगी 8 बज के 27 सही 3/11 की टाइमिंग होगी, सही 8 बज के 27 सही 3/11। उतारिएगा इसे, आप यहां से उसको तो खींच के देखो, उठाकर करिएगा, आ रहे हैं। आगे देखिएगा, ये हो गया ना, चौथा लिखिएगा टाइमिंग। देखिए जो क्लास में कंफ्यूजन बनती है, जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं सारे करवा देता हूं। 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच क्वेश्चन लिखिएगा, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं या 90 अंश का कोण बनाती हैं? 9 से 10 बजे के बीच किस समय, 9 से 10 बजे के बीच, मीरा थोड़ी ध्यान से देखना, 10 बजे कभी नहीं बनाएगी उधर, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? आठ में से 3 कम कर दीजिए, 5 आएगा, 5 की गुणा 60 में करा दीजिए, 300 बटे में 11 आ जाएगा, बहुत सही, 360 बटे में 11 और 9 बजे, बहुत सही आंसर आ रहा है, 360 बटे में 11 और 9 बजे।
देखिए 9 से 10 बोला है, 9 से 10 बोला है, एक बार आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दोगे अर्थात कितना 12, 12 पे 0 डिग्री का कोण बना लेती है अर्थात वो टाइमिंग 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 12। देखिए 9 पे ही बात है, 9 की इसको आधार माना गया तो 9 की ही बात है अर्थात इसका मान होगा कितना 0। क्यों होगा 0? क्योंकि 9 से 10 की ही बात है और सवाल में एक बार आधार 9 को मानना है, एक बार 3 को मानना है, तो 9 से 9 की गिनती करोगे तो वहीं पर तो खड़े हो अर्थात उसका मान, या तो ऐसे समझ लो 9 प्लस 3 12, 12 का मतलब 0, एकदम करेक्ट 12, वो उसका मतलब क्या होता है 0, या 9 पे ही खड़े हो तब भी मान क्या है 0। और जब 300 लोगे आप, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, देखो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या 9 में से 3 कम कर दीजिए तब भी आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें 60 का गुणा करवाओगे 60/11 तो अर्थात 0 ही आएगा, अर्थात 9 बजे में 0 ऐड करोगे तो 9 ही बजेगा, याद रखिएगा। और एक बार 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का गुणा, 6 का गुणा आप, 6 का गुणा आप 9 में से 3 कम करेंगे तो 6 आएगा, 6 का गुणा 60/11 में कराएंगे ये 360/11, अब भाग लगाएंगे तो 11 3 33, 2 बच गया, 11 2 30 हो जाएगा, 11 2 22, 8/11 अर्थात वो टाइमिंग होगी क्या 9 बज के 32 सही 8/11। ठीक है, ये 12 जो लिख रहे हैं 12 का मल्टीपल करवा रहे हैं तो समझिएगा, 12 मिनट वाली सुई 12 पे पहुंची, घंटे वाली सुई 9 पे 12 पे पहुंची, इसका मतलब वो टाइमिंग अर्थात है कितना करेक्ट, कितना है करेक्ट, कितना आपका है 9 बज गया। कॉमन सेंस से सोचो कि ये मिनट वाली सुई आपकी 12 पे पहुंच गई और ये घंटे पे खड़ी है तो करेक्ट 9 ही बजे का तो टाइमिंग दिखाएगी, तो 12 का मतलब 0, 12 का मतलब 0, या आधार मैंने 3 और 9 को माना हो तो 9 का मतलब वहीं पर तो खड़े हैं 0, एक बार मान 0, एक बार 3 से गिनोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप यहां पर एक बात और नोट कर रहे हैं, हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, इसे 2 घंटे में 8 से 9, 9 से के बीच में उसको 4 बार बनाना चाहिए था, मगर आप ध्यान से बात समझिएगा, 8 से 10 के बीच में इन 2 घंटों में 4 नहीं कितनी बार बना रही है 3 बार बना रही है, कितनी बार बना रही है 3 बार, यहां भी कितनी बार बना रही है 3 बार बना रही है। तो नोट में यही बातें लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट्स में, पहला नोट्स लिखिएगा, देखिएगा प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, कितनी बार बनाती हैं 2 बार समकोण बनाती हैं प्रत्येक घंटे में। इस कॉन्सेप्ट को याद रखा जाए कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनाती हैं, तो आप हमें बताइएगा कि 24 12 घंटे में कितनी बार तब बना लेना चाहिए उसे, 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 12 दूना 24 बार बना लेना चाहिए था, बहुत सही, 12 घंटे में कितनी बार बना लेना चाहिए था 24 बार बना लेना चाहिए था। पर ध्यान से समझिएगा, ये दो घंटे में सिर्फ वो, यहां ध्यान से देखिए, यहां 4 बार बनाना चाहिए था उसे, 8 से 10 के बीच में इस 2 घंटे में 4 बार बनाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बना पाती है, कितना बार बनाना चाहिए था आपको 4 बार बनाना चाहिए था, बनाती कितनी है 3, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें से 2 घंटे कम हो जाते हैं, यहाँ पर कितने कम हो जाएंगे, वो कौन सा टाइमिंग, 8 से 9, 9 से 10, तो 3 यहाँ 3 यहाँ कितने हो गए, कितने कम बनाई, एक एक कम बनाई, ऐसे लिख लो, एक एक कम बना दी, आसान हो जाएगा। इन यहां समझ, एक घंटा यहां कम कर दी, 1 घंटा यहां कम कर दी, 8 से 10 के बीच में देखो 12 घंटे में तो बना लेना चाहिए तो 24 बार,
एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार, मगर ये 8 से 10 और 2 से 3 के बीच उसको बनाना चाहिए था 4 बार, मगर बनाई सिर्फ कितनी बार है, 3 बार बनाती है। कितनी बार बनाती है, 3 बार। यहां से निकालो तभी 9 पे, यहां से निकालो तभी, एक टाइमिंग कहां जाती है, 9 पे। यानी इन 2 घंटों में यहां पर 1 घंटे की कमी कर देती है, 1 घंटे, ये 2 कम कर दीजिए अर्थात हो कितना जाएगा, 22 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 22 बार आ जाएगा। तो लिखेंगे, अगला नोट लिखिएगा पॉइंट 2, 12 घंटों में, 12 घंटों में, 12 घंटों में, 12 घंटों में 22 बार, 12 घंटों में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। देखिए ये जो आपको घंटे दिखाई दे रहे हैं, 2 से 3, 2 घंटा उधर, 2 से, इस 4 घंटों में उसे 8 बार बनानी चाहिए, पर वास्तव में बनाई सिर्फ कई बार थी, 6 बार बनाई थी। सवाल कभी कभी यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऐसे वो 2 घंटे कौन है कि जिनकी वो निम्नलिखित में से कौन से वो 2 समय हैं जिनके बीच 8 घंटे के बजाय 6 ही बार संपूर्ण बनाती है। तो एक टाइमिंग होगी 2 से 3, 3 बार, 8 से 10, 3 बार, 2 से 3। देखिए प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो इस 2 घंटों में 4 बार होना चाहिए, सिर्फ बनाई कितनी, 3 बार, 8 से 9 2 बार, 9 से 10 2 बार, मगर बनाई सिर्फ कितनी बार, 3 बार। एक एक की कमी हो जाती है यहाँ पर, इसी माले 22 बार बनता ना कि 24 बार। ये 2 घंटे कहां से कम हुआ आप समझिएगा, हाँ 2 से 4, अरे ये गलत लिख दिया, ये 2 से 4 है, हाँ 2 से 4, सॉरी, समझ जाया करो, वही बोल रहा हूं, बस लिखने में दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार से आपका पहला टाइप खत्म हुआ कोड ज्ञात करने वाला, दूसरा समय कि कोई कितने डिग्री पे कितना होगा, एक्चुअली आप में 0 है, 90 है, 180, तीन ही की जिक्र किया है, 45, 30 ये सब का जिक्र नहीं किया, उनका भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको उतना जाना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ तब भी आपकी 5 नंबर की रीजनिंग है सुपर टेट की क्लियर हो जाएगी। टेट सीटेट जैसे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, अब आ जाओ अगला हेडिंग बनाइएगा, टाइप नंबर 5, प्रतिबिंब ज्ञात करना। खड़ी ऐसे लिखिएगा, हाँ प्रतिबिंब ज्ञात करना, इमेज, टाइप नंबर 5, उस प्रतिबिंब में उसमें भी स्मॉल ए टाइप डालिएगा, परसों का कल वाला क्वेश्चन बता दीजिए, परसों का कल वाला, मुझे खुद नहीं पता निधि कौन सा क्वेश्चन आप पूछी हो, क्वेश्चन बता दीजिए, अच्छा परसों कल वाला, अच्छा एक क्वेश्चन मैं फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर कितना है, 5, टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसका ज्ञात करना, समय का ज्ञात करना। इसमें भी पहले वाली जो पढ़ना है आपको हो, वो पढ़ना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले के थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। सर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे 2 से 4 बजे के बीच किस समय क्लॉक 45 अंगल बनाएगी, एकदम निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, 2 से सीधे 4 दाग रहे हो, प्रत्येक घंटे में होता है यार, 45 अंश, क्या 2 बज के कुछ मिनट पे 45 अंश का डिग्री का कोण ही क्या होता है, ये मन से पूछे हो कहीं समझ मच रहे थे, तो यार तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ। अरे अच्छा आज ही कैलेंडर पढ़ लोगे क्या, घड़ी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन जो डाउट होते हैं भेज दीजिए। तृतीय सर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 2 से 4, 2 से 4 की तो टाइमिंग कभी नहीं देगा, 2 से 3 बोल देगा, 3 से 4 पूछेगा, वो प्रत्येक घंटे में 45 बनाएगी, 45 अंश का कोण होता ही कितना है कि इतना लंबा टाइमिंग आप दे रहे हो,
उतने में तो बना ले जाएगी कितने डिग्री, 60 डिग्री से प्लस बना ले जाएगी। दो से चार बोल रहे हैं, सोचिए। ये सारे बता दूंगा, इसकी कोई बात की नहीं है, पर आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। सर आपका नंबर नहीं पता, ये भगवान दो से चार पूछ रहे हैं, ये भगवान दो से चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, जो भी होगा वो बाद में बता दूंगा। 45 अंश का भी निकल जाएगा, 30 का भी निकल जाएगा, जिसका चाहो उसको भी निकल जाएगा, ठीक है। क्यों पूछ रहे हैं बोला, ए मैं आपकी भाषा भी नहीं समझ पा रहा हूं आप लोगों की, मतलब नहीं पूछना था ये। चलो जो भी है यार, आ जाइएगा दर्पण प्रतिबिंब को समझिएगा, एक बार समझिए, फिगर बनाइए एक। दर्पण प्रतिबिंब में याद रखिएगा, केवल इसमें दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होता है, बाया बदल जाता है दाएं में, और आपका दाया बदल जाता है किसमें, बाएं में। ये बदलेगा, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज, केवल चेंज लिख दो यार, होगा कोई जरूरी है, लोग गलत पूछ रहे हैं, ये बोला। अच्छा ठीक ठीक कोई बात, अभी चलिए। दर्पण में क्या होता है, आप शीशे के सामने खड़े रहें तो आप जानते हैं, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाए होंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ठीक है। हम लोगों में तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो लेफ्ट राइट दिखे, जैसे मैं अपने देख रहा हूं, मैं इधर उंगली किया उसमें उल्टा दिखाई दे रहा, ठीक ना। मगर क्या बदलता नहीं है, क्या नहीं बदलता है, ऊपर का नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होती, ये जैसे कि तैसे रहते हैं, नो चेंज, ऊपर नीचे में नो चेंज। जब आप दर्पण में देखेंगे तब ऐसा नहीं है कि किसी का पैर ऊपर दिखने लग गया, सिर नीचे, ठीक है, वो बाबा रामदेव सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ बाएं दाएं बदलता है, इसको दिमाग में आप रखिएगा, इसमें क्या नहीं बदलता है, ऊपर और नीचे। मैं घड़ी बनाता हूं, आप समझिएगा, ठीक है। 12, 6, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसे हटाते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी छोटा करते हैं, 9 घड़ी एक, उस पर डायल करिए 12 तक, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए, 12, 6 अपनी जगह पर रहेंगे, 12, 6 अपनी जगह रहेंगे, उसमें नहीं होगा। एक का हो जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा, सॉरी, एक का 11 हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा 1, 10 का 2 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाता है 10, जो कि ऐसा करना नहीं है, केवल समझाने के लिए। और 3 का 9 हो जाता है, 9 का क्या हो जाता है 3, 4 का 8, 8 का, और 7 का 5, 5 का 7 हो जाता है, ठीक है। किस में बदलाव नहीं होता, 6 अपनी जगह होता है, 12 अपनी जगह, वास्तविक रूप से भी ऐसे ही आपको दिखाई देगा 12 और 6, और जब आप दर्पण में देखेंगे तब भी 12, 6 अपनी ही पोजीशन पे रहता है, केवल बदलाव किसका होता है, जैसे आप सामने घड़ी ऐसे देख रहे हैं, ऐसी घड़ी को जब दर्पण में देखेंगे तो जहां पर 11 दिखा रहा है वहां पर 1 दिखाएगा, और जहां 1 दिखा रहा है वहां पर क्या दिखाएगा 11, जहां 9 3 दिखा रहा है वहां दर्पण में 9 दिखाएगा, और यहां पर क्या दिखा देगा 3, उल्टा कर देता है। यानी आप ध्यान से देख रहे होंगे, आधा इधर आधा ये बट गए दो भाग में, ठीक। तो एक सवाल लिखिएगा, सवाल क्या है लिखिएगा, क्वेश्चन एक घड़ी में 5:30 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 5:30
30 मिनट का समय हो रहा है, तो दर्पण में घड़ी क्या समय बताएगी दिखाएगी। एक घड़ी में 5:30 का समय हो रहा है, तो दर्पण में घड़ी क्या समय दिखाएगी? 6:30, 7:30। आंसर अलग अलग। एक बार केवल मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। ये एकदम आसान टॉपिक होता है आपका। 5:30 मतलब हाँ याद रखिएगा, 6:12 में कोई परिवर्तन नहीं होता। सात तीस छह तीस करेक्ट हो ना? चलिए देखिए, ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। एक बार इसको मैं बनाना हो तो कैसे करते, यहां से देखा जाए। देखिएगा, 5 का क्या हो जाता है? 7। ध्यान से सुनना, 5 का क्या हो जाता है? 7। ये घड़ी जो घंटे, ये घंटे की सुई है, ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, छोटा छोटा बना देता हूं हल्का सा। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 से 6, 5 का 7 हो जाता है। 5 का क्या उल्टा है? 7। ये दोनों के बीच में है, ये किसके बीच में होगी? 6 और इसके बीच में होगा कि नहीं होगा? मेरी बात फिर से समझना, 5 का 7 हो जाता है। जब वो 5 पे होती तो करेक्ट 7 पे होती, 5 पे होती तो करेक्ट कितने पे होती? 7 पे होती। मगर 5 से थोड़ी क्या है? आगे है। 5 से क्या है? थोड़ी आगे है, ठीक है, बीचो बीच है कहीं, बीचो बीच। यहां भी हम भी कहीं बीचो बीच लगाएंगे, बातें समझिएगा। और एक बात आप जानते हो, कौन सा नहीं बदलता है? ना तो 12 ना तो 6, ना तो 12 ना तो 6, अर्थात ये टाइमिंग दिखा क्या रही है? यदि रियल टाइम आपका ये है तो मिरर टाइम क्या हो जाएगा? 6:30। मैं इसको एकदम शॉर्टकट भी बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वो जहां की तहां ही रहेगी, जहां की तहां ही रहेगी, 6 की 6 ही पे रहेगी। बस ये 12, इसका कितना होता है? 5 का 7 होता है, पर ये 5 पे होती तब 7 पे होती, जो कि ये क्या है? बीच में, 6 और 5 के बीच में है। तो ये भी यहां पर भी क्या होगा? 7 और 6 के बीचों बीच होगा। यानी 7:30 गलत है, 6:30 है, 7:30 गलत है, ठीक है। यानी मिरर टाइम क्या हो जाएगी? 6:30 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो, गलत हो गया, कोई बात नहीं। अभी किसी को दिक्कत है? एक टाइमिंग और लेते हैं, सेट क्लियर करते हैं, और कुछ नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल एकदम ले लो यार, ठीक है। तीन बीस ना करो 35। रियल टाइम है आपका, रियल टाइम दिया है 3:35। मिरर टाइम बताइएगा, मैं क्या हो गया? टाइम में हो गया 8:25। अच्छा, इनकी बड़ी खास बात है, इनका सम देखोगे तो 12 होता है। 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। जब भूल जाओगे कौन किस पे होती है तो 12 का सम खोजा करो कि कहां पर 12 का सम बन रहा है, ठीक है।
और 18 का सम बन जाए तो वाटर होता है, वो मैं समझा दूंगा आगे। 8:25, 8:25 मैक्सिमम आंसर है 8:25। मैं आपको एकदम इसकी ट्रिक बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार आप केवल फिगर से समझ जाओ, आपके दिमाग में इमेज इसकी नहीं समझ में आया, ट्रिक बता दूंगा समझ में आ जाएगा। ये नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, 2, 3, 4, 5 लोग जो भी हैं, मैं उनको ट्रिक बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार बेसिक समझो आप, 3:35 क्या घंटे वाली क्या सुई एकदम करेक्ट 3 बजे होगी? नहीं, क्योंकि मिनट की सुई 35 मिनट की दूरी तय की है, आधे से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, घंटे वाली सुई आधे से थोड़ी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये घंटे की सुई है, और मिनट की सुई तो कंफर्म है 7 पे होगी, किस पे होगी, 7 पे होगी। क्या यही टाइमिंग दिखाएगा क्या 3:35 का, करीब आधे से थोड़ी ज्यादा, और ये करेक्ट 35 पे होगी, इस बात को आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या ध्यान से समझेंगे, 3 का क्या होता है 9, 3 का क्या होता है 9, मगर ये 3 और कितने के बीच में है, 4 के बीच में, तो यहां पर किसके बीच में रहेगी, 8 और 9, 10 नहीं कर देना, कितने के बीच में रहेगी, 8 और 9, तो या इसे समझ लो 8 के कुछ थोड़ी सी क्या है पीछे है, ये थोड़ी सी आगे हो जाएगी, यदि 4 पे होती तो 8 पे होती, 3 पे होती तो 9 पे होती, देखो जोड़ने पे 12 आ जा रहा है, मगर ये घड़ी थोड़ी 3 से ज्यादा और 4 से थोड़ी पीछे है, तो यहां पर 8 से ऐसे आ जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे घंटे वाली सुई आ जाएगी आपकी, करीब करीब 8 से थोड़ी सा आगे, 8 से क्या कर जाएगी, थोड़ी सी आगे कर जाएगी। और अब आप भी बताओ 7 का क्या होता है, 7 का क्या होता है 5 होता है, 7 का क्या होता है 5, इसे 5 पे ले जाओ, मिनट वाली को कहां ले जाइए आप, 5 पे ले कर जाइए। रेड वाला सेंसर एक बार, और नेटवर्क नहीं था, कोई बात नहीं, मैं नेटवर्क पकड़ा के बताऊंगा, और बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है, आइए समझिएगा। तो ये कितने में चल जाएगी, 5 पे, अब भूल जाओ ये 8 है, 8 से ज्यादा है, अब मिनट वाली सुई किस पे है, 25 पे, अर्थात तो वो टाइमिंग क्या होगी, 8:25 का समय, 8:25। ब्लैक वाला वास्तविक टाइम है, रियल टाइम है, ब्लैक वाला क्या है रियल टाइम, और रेड वाला क्या है मिरर टाइम है। समझ में आ गया सर, अरे आएगा क्यों नहीं, अभी ट्रिक बताते हैं उससे ज्यादा आएगा। ठीक, आप एग्जाम में एकदम ऐसा नहीं करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए था, थोड़ी आपकी माइंड को बिकसा, कुछ नहीं यार छोड़ो, आप लिखिएगा, क्या लिखोगे, मिरर टाइम चाहिए एमटी, तो आप क्या कहिएगा, 1160 में से रियल टाइम को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आपको मिरर टाइम चाहिए 1160 में से रियल टाइम, हाँ ट्रिक ही बता रहा हूं पूनम, टेंशन आप, राइट टाइम घटा दीजिए, जैसे अभी सवाल मैं आपको दिया था क्या 5:30 था, ठीक है, इसको 1160 में से 5:30 कम कर दीजिए, जब घटाएंगे यानी देखो मिरर टाइम क्या जाएगी 6:30, यही तो आया था क्या, लाजवाब है, ये कैसा बेसिक रिपीट कर, एकदम रिपीट कर, बेसिक बेसिक तो अभी दिक्कत हो रही थी, तो ट्रिक किसी को ट्रिक किसी को बेसिक, फिर बेसिक भी बता देता हूं, पहले ये 5:30 निकाला था 6:30 आया, समझ में आया कि नहीं, सब क्या सर, सब सबक ये है क्या सर, ये किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, मिरर टाइम हो जाएगी 36। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा था 3:35, 3:35 इसमें से 3:35 कम करिए,
तीन 35 कम करिए, तो 10 में से 5 जाए 5 के, 5 में से 3 जाए 2 के, और 10 में से 3 जाए, सॉरी 11 में से 3 जाए 8 के। देखो ये मिरर टाइम आ गई, दर्पण प्रतिबिंब आ गया, दर्पण प्रतिबिंब आ गया, एकदम क्लियर है? फिर से बता दी, बहुत अच्छे से है। बेसिक से थोड़ा टफ है। हाँ तो ये बेसिक से, हाँ बेसिक तो करना ही नहीं है, बेसिक आपको करना नहीं है, सीखना है। सीखने में कोई हर्ज है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो नहीं सिखाता, ठीक ही बताते हैं। ठीक, बेसिक तो सीखना है। कोई कह दे क्यों आया, आप कह ट्रिक लगाए जा रहे हो, ट्रिक लगाए जा रहे हो, आप क्यों का जब देखो, जो आप जिस फील्ड से जुड़े हो ना, आपको क्यों नामक शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों कैसे, कोई लड़का ही खड़ा हुआ और पता चला एकदम गांव देहात का, नहीं मैडम जी बताओ आई कहा आयल, क्यों आया, क्या करेंगे फिर बताइए, फिर वही ताकेंगे, काश सर जी हमें बता दिए होते। तो आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, बच्चे इतने परेशान करेंगे आपको कि आप खुद नहीं सोच सकते। पता चले आपके टीएमए साहब आ गए, कोई कोई बहुत बदतमीज रहा तो पहाड़ा पूछ लेगा, ठीक ठाक रहा तो थोड़ी दो चार चीज पूछ लेगा बढ़िया से। ठीक है, 1160 क्यों किया गया, हाँ ये देखिएगा क्यों किया गया, क्योंकि किसी भी साइड से आप इसका सम करिए, ये आपका 12 ही आएगा, 11 और 1 12, 10 2 12, 9 3 12, इसलिए 12 लिया गया। 12 का मतलब क्या, मैं 12 को, क्या मैं 12 को ऐसे नहीं लिख सकता, करेक्ट 12 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 11:60, इसलिए 12 लिया गया। घड़ी तो पढ़ाओगे, रीजनिंग नहीं आएगी, बच्चों को प्राइमरी में घड़ी तो है, टॉपिक है उसका, उनका घड़ी के बारे में जानकारी तो दोगे उनसे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप उनके जवाब दीजिए। अब करिए, रीजनिंग नहीं है प्राइमरी में, घड़ी है, रीजनिंग नहीं है मगर घड़ी है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, लिखिएगा। 9:10 पे, ये रियल टाइम में लिख रहा हूं, रियल टाइम में लिख रहा हूं, मिरर टाइम आपको बताना होगा। दूसरा 10:40 पे, तीसरा 11:55 पे, चौथा 12:15 पे, पांचवा 7:26 पे। 5 क्वेश्चन है आपके सामने, देते रहो जवाब। अब इसकी काम खत्म, घड़ी का आपको बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस तरह क्लास लेना रहेगा तो सर पकड़ी लगे। सर समझ में नहीं आया कैसे करना है। सालनी जी कुछ नहीं करिएगा, सालनी जी फिर से समझिएगा, आप क्या करिएगा, मिरर टाइम पूछ रहा है, आप 11:60 में से ये जो टाइमिंग दे रखी उन्हें घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना तो समझ लो, कुछ कुछ अपनी इमेज का कदर कर लीजिए। 4200 की ग्रेड की जॉब ले रहे हैं, 11:60 को याद कर लीजिए। बयालीस ग्रेड की हम लोग भी तैयारी करते हैं, मगर अल्फा बीटा गामा याद करते करते हालत खराब है, वो बड़ी बड़ी मैथ।
हाँ सबका आंसर एकदम करेक्ट है। अब आ जाओ मिला लीजिएगा, बस आंसर सबके सही है, एक आध गड़बड़ होंगे किसी के तो किसी के होंगे, बाकी सभी के सही है। पहला देखिएगा, पहला लगाता हूं, देखो यही चाहता तो मैं यही कर देता, देखो इसी को यही मैं लिख देता हूं 11:60, इसी को बेस मान लेता हूं, ठीक ना, ध्यान से समझना यार, कर देता हूं नहीं तो आप लोग पूरी दिक्कत करोगे। पहला समझिएगा, 11:60 में से 9:10 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 2:50। पहला आंसर बहुत सही, किसी ने तो एकदम लगातार लिखे हैं, गजब के हैं। दूसरा, 11:60 में से 10:40, 1:20। तीसरा, 11:60 में से 11:55 घटाओगे तो 5:00, और 0:00 का मतलब 12 बज गया, ये याद रखिएगा, 0:00 का मतलब कितना होगा। सर मेरा भी पूरा लग गया है, हाँ हाँ मेरा, सभी की लगे हैं, सभी के 0:00 आ जाए मतलब 12, और 11:60 में से आपको 12:15 घटाना है, और ऊपर वाले सवाल से ही आप समझ गए होंगे कि जब 12 आ जाए तो उसको मानना क्या है, 0, क्या मानना है, 0। तो 60 में से 15 गया 45, 11 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, मतलब टाइमिंग क्या होगी 11:45, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। 3 नंबर याद कर ही रखे रहिएगा, 4 नंबर याद रखिएगा, 11 में से घटाएंगे 0, 0 का मतलब 12, अब 12 आ जाए तो 0 मान लीजिएगा, 12:15 आया तो 12 को 0, 0 मान लीजिए, 60 में से 15 करेंगे 45, और 11 में 0 घटाएंगे 11 आएगा 11:45, 7:26 उसका भी बताते हैं। घड़ी से बताएं सर, ओप्पो, घड़ी से बताएं, अभी आए हो क्या, घड़ी से बता दिया, अब ट्रिक 4:34, बहुत सही, यहां मिटा देता हूं, बेसिक एक बार प्लीज, मैं एकदम बेसिक बता देता हूं एक बार, 11:60 में से 7:26 घटाना है, 10 में से 6 जाए 4 के, 5 में से 2 जाए 3, 34, और 11 में 7 जाए 4 के, 4:34, 4:00, मैं बता देता हूं एक बार, बेसिक बता कर ही जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पहले क्वेश्चन करो सर, 4 क्वेश्चन बता दीजिए, 4 नंबर, 4 नंबर में याद रखिएगा, जहां 12 आ जाए वहां 0, 0 स्टार लगा लीजिएगा दोनों में, और जहां 0 आ जाए उसको 12 लिख दीजिएगा, और जहां 12 दिया रहे उसको 0 मानकर घटा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एक और एक क्वेश्चन और करो, हो जाए, देखिएगा जो भी, एक क्वेश्चन नंबर, उन्नीस बयालीस ये राइट टाइम है, मिरर टाइम बताना है सर, नेक्स्ट क्लास भी ले लो, गुस्सा में हो गया कविता, चलो नहीं लेते अब, छोड़ देते हैं, पर आप जानते नहीं मैं किस कंडीशन में भी आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम फैन ऑन कुछ भी नहीं चल रहे हैं, और गर्मी उमस क्या है आपको बता नहीं सकता, और आप कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास भी ले लो, इतना गुस्सा, करिए कब तक ही चलेगी एक ही क्लास, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, फैन क्यों नहीं चला, लाइट नहीं हम लोग के यहाँ, ठीक है, चलिए अब देखिएगा, दो तरीके हैं इसे करने का, अरे ठीक है मैं उसी तरह बोल दिया, कोई गुस्सा वाली बात नहीं, गुस्सा करके भी क्या करोगे मैं उस पर, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, आप अपने घर रहेंगे, ठीक है। दो तरीके हैं इसे करने के,
क्या कर लो, देखो जो रेलवे स्टेशन पे घड़ियां होती हैं वो 12 ना कल चलकर 24 में चलती है। किसमें चलती हैं? 24 घंटे में चलती हैं। तो 24 घंटे को आप चाहो ऐसे लिख लो 23:60। क्या लिख लीजिए? 23:60। एक तरीका तो ये है इसको करने का, 23:60 लिख लीजिए। तो 23:60 में से आप 19:42 घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे तो कितना जाएगा? 10 में से 2 जाए 8, 5 में से 4 जाए 1 18, और 13 में से 9 जाए 9 4 13, 4:18। और इसे नहीं याद करना चाहते, ऊपर वाले पे भी लग जाएगा, ऐसी बात नहीं नहीं लगेगा, उस पे भी लगेगा। बस ये एक तरीका है इसे ऐसे करने का। दूसरा तरीका क्या है मैं बता देता हूं। ये जब भी टाइमिंग 12 से ज्यादा हो तो उसमें से हमेशा पहले 12 कम कर दो। तो जब 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 दोनों ना 7:42 दिखाएगा। जब भी टाइमिंग 12 से ज्यादा, 23 कैसे आया? हाँ, 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 23+60 मिनट, 23 घंटे + 60 मिनट, 24 घंटे को आप लिख सकते हो। 24 घंटे को क्या लिख सकते हो आप? 24 घंटे को लिख सकते हो 23 घंटे 60 मिनट, वही 23:60 है। अब ये रेलवे विभाग की डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसमें से जब भी 12 से ज्यादा की टाइमिंग दिखाई दे तो उसमें से आप पहले 12 कम करिए, आपको रियल टाइम दिखाई देगी। वो टाइमिंग क्या है? 7:42। और 11:60 में से अब घटा लो, 11:60 में से अब घटा लीजिए क्या? 7:42, आंसर वही आएगा 4:18। सर सामने है पहले वाला 12 और सब 24 पर। हाँ, यदि टाइमिंग 12 से ऊपर भाग रही है तो 23:60 से निकालो एक तरीका, या आप 11:60 को ही रखना चाहते हो अपने पास और कुछ नहीं रखना है, तो ये 12 से ज्यादा की टाइमिंग हो तो उसको पहले 12 कम कर दीजिए, 12 घंटा, फिर इसके बाद घटा दीजिए। ठीक है, बेसिक सवाल मैं कल बता दूंगा, आज यही तक रहेगा। हाँ मिनट, सर एक बार नोट लिखा दीजिए। नोट क्या लिखवाते हैं? हाँ लिख लो नोट, समझ गए। यदि समय, लिखिएगा नोट में, यदि समय 12 घंटों से कम का हो, यदि समय 12 घंटों से कम का हो, यदि समय 12 घंटों से कम का हो, यदि समय 12 घंटों से कम का हो तो 11:60 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करें। यदि समय 12 घंटों से कम का हो तो 11:60 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करें। हाँ, 11:60 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करें। दूसरा लिखिएगा, यदि समय 12 घंटों से अधिक का हो, यदि समय 12 या 12 घंटों से अधिक का हो, दोनों पे चलेगा। यदि समय 12 या 12 घंटे से अधिक का हो तो 23:60 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करें। यदि समय, बेसिक कल बता दूंगा, एक बार एक क्वेश्चन उठाकर बेसिक कल बता दूंगा। यदि समय 12 या 12 घंटों से अधिक का हो तो 23:60 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करें। हेडिंग बना लीजिएगा कल, जल प्रतिबिंब पढ़ा दूंगा, इस हिसाब से पूरा आपका घड़ी खत्म हो जाएगा। त्रुटि वाले कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, दो चार, काम खत्म। ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी की कोई समस्या होगी एक एक करके बोलिएगा, एक साथ नहीं बोलिएगा।